Afternoon, dear students. Today we are going to revise chapter 7 fractions. Yesterday we have complete chapter 1 numbers. आज हम रिवाइज करेंगे बेटा चैप्टर 7 फ्रैक्शंस को. चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 हमारे टर्म 1 के अंदर आते हैं, उनको हम बाद में रिवाइज करेंगे. पहले हम रिवाइज करेंगे जो टर्म 2 के अंदर आते हैं. चैप्टर 7 फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस का हमें पता, फ्रैक्शंस किसकी फॉर्म में होते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. डिवाइडिंग लाइन के ऊपर कौन होता है? न्यूमरेटर. और डिवाइडिंग लाइन के बिलो कौन होता है? डिनोमिनेटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/6. आप जो डिवाइडिंग लाइन के अबोव है 1, 3, 5, ये क्या हो गए? न्यूमरेटर. और डिवाइडिंग लाइन के बिलो 2, 4, 6, ये क्या हो गए? डिनोमिनेटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें केक गिवन है. केक को हमने 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया. कितने पार्ट्स के अंदर? 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर. ईच पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 मीन्स हाफ. अब ये पार्ट किसके इक्वल होगा? 1/2. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2. टोटल पार्ट्स हमारे डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट केक को हमने डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर. कितने इक्वल पार्ट्स हैं यहां पर? 4. ईच पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 के. अब ये सिंगल पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 1. और टोटल कितने हैं? 4. टोटल हमारे डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे. 1/2 और 1/4 कैसी फॉर्म में है? ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है. नेक्स्ट आता है रिकैप एक्सरसाइज. कलर द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एज पर द गिवन फ्रैक्शंस. अब हमें पार्ट्स पर कलर करना है जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है. फ्रैक्शंस क्या है? 6/8. 8 तो क्या होंगे? टोटल पार्ट होंगे. 2, 4, 6, 8. टोटल पार्ट कितने हैं? 8. और 6 पार्ट पर हमें कलर करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक हम कलर कर देंगे. नेक्स्ट क्या है? 1/4. 4 तो क्या है? टोटल पार्ट है. और 1 पार्ट पर हमें कलर करना है. 1 पार्ट पर हम कलर कर देंगे. ओके, इस तरह से हम कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स. अब हमें शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शंस को राइट करना है. शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा. और टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. फ्रैक्शन क्या आ गया? 5/9. अब सेकंड के अंदर जो हमें बैलून के शेप के अंदर दिख रहे हैं, कलर्ड कितने हैं? 3. 3 न्यूमरेटर आ गया. और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5. 3/5 फ्रैक्शन आ गया. नेक्स्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमें पता है जो डिवाइडिंग लाइन के अबोव होता है, डिनोमिनेटर जो डिवाइडिंग लाइन के बिलो होता है. नेमिंग ए फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को नेमिंग कैसे देंगे? फॉर एग्जाम्पल ये क्या गिवन हमें? 2/5. 2/5 को 5 को कैसे रीड करेंगे? 2/5. 3/8 को क्या रीड करेंगे? 3/8. 1/3 को 1/3. एक्सेप्शनल क्या है इसके अंदर? 1/2. 1/2 को हम रीड करेंगे हाफ. ओके, नेक्स्ट क्या है? होल. होल मीन्स क्या होता है? 1. हाफ. हाफ का हमें पता ही है 1/2 होता है. 1/4 हमें पता है 1/4 होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स शो इक्वल पार्ट्स पुट ए टिक ऑन देम. हमें देखना है कौन सी पिक्चर्स इक्वल पार्ट्स को शो कर रही है. जो पिक्चर्स इक्वल पार्ट्स को शो कर रही है उस पर हमें टिक करना है. फर्स्ट कैसी शेप दिख रही है हमें? ट्रायंगल की. ट्रायंगल इक्वल पार्ट्स शो कर रही है. यस, यहाँ पर भी हाफ पार्ट है और यहाँ पर भी हाफ पार्ट है. इस पर हम टिक कर देंगे. बी पार्ट के अंदर कितने बॉक्सेस हैं? टोटल 6. 6 थर्ड को कलर किया हुआ है और 3 को कलर नहीं किया हुआ. मीन्स हाफ को कलर किया हुआ है और हाफ को कलर नहीं किया हुआ. दोनों कैसे शो कर रही हैं? इक्वल पार्ट्स के अंदर. इस पर भी हम टिक कर देंगे. थर्ड हमें दिख रही है काइट जैसी. अब इसके अंदर तो सभी कलर्ड हैं, इक्वल पार्ट्स तो शो कर ही नहीं रहे. इस पर हम टिक नहीं करेंगे. डी के अंदर भी क्या कर देंगे? टिक कर देंगे. ये भी इक्वल पार्ट्स को शो कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन नंबर्स. अब हमें फ्रैक्शंस को नंबर के अंदर राइट करना है. वर्डिंग के अंदर हमें गिवन है. फर्स्ट क्या है? 2/3. 2/3 को कैसे राइट करेंगे? 2/3. 2/3. नेक्स्ट क्या है? 4/6. 4
अपॉन सिक्स, नेक्स्ट क्या टू फिफ्थ, टू अपॉन फाइव, इस तरह से हम राइट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड. अब हमें फ्रैक्शंस को वर्ड के अंदर राइट करना है. सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो हमें वर्ड के अंदर गिवन था उसको हमने नंबर के अंदर राइट किया. अब हमें नंबर के अंदर फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमें वर्डिंग के अंदर राइट करना है. टू अपॉन सेवन क्या हो जाएगा, टू सेवंथ्स. टू अपॉन सेवन क्या हो जाएगा, टू सेवंथ्स. नेक्स्ट क्या सिक्स अपॉन एट, सिक्स अपॉन एट क्या हो जाएगा, सिक्स एट्स. थ्री अपॉन सिक्स क्या हो जाएगा, थ्री सिक्स. वन अपॉन फाइव, वन फिफ्थ, इस तरह से हम राइट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द न्यूमरेटर इन इच बॉक्स टू मेक अ कंप्लीट होल. अब हमें न्यूमरेटर को राइट करना है. न्यूमरेटर के अंदर हम क्या राइट करें कि कंप्लीट फ्रैक्शन होल बन जाए. होल मीन्स वन. हम यहाँ पर क्या पुट करें कि जो कंप्लीट फ्रैक्शन है ये होल बन जाए. अगर न्यूमरेटर के अंदर भी हम सिक्स पुट कर दे, सिक्स अपॉन सिक्स कितना हो जाएगा, वन. वन क्या होता है, कंप्लीट होल. यहाँ पर सिक्स पुट किया, डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी सिक्स की है, सिक्स से सिक्स को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन. वन क्या आ गया, होल. नेक्स्ट क्या है, फोर. डिनोमिनेटर के अंदर भी हम फोर को ही पुट कर दे, फोर अपॉन फोर कट करेंगे तो फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, अब कितना आ गया, वन. वन क्या होता है, कंप्लीट होल. जो नंबर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के अंदर गिवन होगा उसी को हम न्यूमरेटर के अंदर पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट होल. यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर टू है गिवन हमें, टू को ही हम न्यूमरेटर के अंदर पुट कर दें, क्या मिल जाएगा हमें, कंप्लीट होल. टू अपॉन टू इज इक्वल टू वन. यहाँ पर क्या पुट करेंगे, फाइव. फाइव अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द डिनोमिनेटर इन इच बॉक्स टू मेक अ कंप्लीट होल. अब हमें डिनोमिनेटर को राइट करना है और कंप्लीट होल बनाना है ईच बॉक्स को. यहाँ पर हम क्या पुट करें डिनोमिनेटर के अंदर की कंप्लीट होल बन जाए. जितना हमें न्यूमरेटर के अंदर नंबर गिवन है उसी को हम डिनोमिनेटर के अंदर पुट कर देंगे. यहाँ सेवन गिवन है, हमने यहाँ पर सेवन पुट किया, सेवन अपॉन सेवन इज इक्वल टू वन. वन क्या आ गया, कंप्लीट होल. टू अपॉन टू, टू अपॉन टू क्या आ जाएगा, वन. वन क्या है, कंप्लीट होल. फाइव अपॉन फाइव, एट अपॉन एट, इस तरह से हम पुट करेंगे. यहां तक आपको कंप्लीट करना है, रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है. ओके.